हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के चैप्टर नंबर सेकंड में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है उनके बारे में हमने स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम जो फूड मटेरियल है उसके डाइजेशन की प्रोसेस की स्टडी करेंगे कि फूड मटेरियल का डाइजेशन किस तरह से कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर की हमारी हेडिंग है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है, पाचन की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से संपन्न होती है। तो पाचन की प्रोसेस में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो पाचन की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वह प्रमुख रूप से दो प्रोसेसेस के द्वारा संपन्न होगी। सबसे पहली प्रोसेस होती है मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरी होती है बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस हिंदी में जिसे यांत्रिक प्रक्रिया बोला जाता है, केमिकल प्रोसेस को रासायनिक प्रक्रिया बोला जाएगा। मैकेनिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर फूड मटेरियल को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जैसे माउथ वाले पार्ट के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस चलेगी, कुछ मात्रा में आमाशय के अंदर भी या स्टमक के अंदर भी मैकेनिकल प्रोसेस चलती है, क्योंकि वहाँ भोजन को क्रश किया जाता है, मथा जाता है, जिससे उसके जो टुकड़े हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो सकें, तो मैकेनिकल प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर एंजाइमों की सहायता से जो भोजन का विघटन किया जाता है, एंजाइमों की सहायता से भोजन के हार्ड मॉलिक्यूल को, जटिल मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, वो केमिकल प्रोसेस कहलाती है। तो दो प्रकार की प्रोसेस है जिनसे डाइजेशन की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। एंजाइम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट प्रकार के होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, और जो एंजाइम्स यूज में डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर लिए जाते हैं वो जनरली हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन करना। जितने भी एंजाइम डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर काम में आ रहे हैं वो हाइड्रोलाइसिस करेंगे फूड मटेरियल का। हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसलिए इन्हें हाइड्रोलेजेज ग्रुप के एंजाइम बोला जाता है। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इसलिए इन एंजाइमों को कौन से ग्रुप के एंजाइम बोला जाता है, हाइड्रोलेजेज ग्रुप के एंजाइम बोला जाता है। अब कौन कौन से एंजाइम है उनकी आगे हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना है जो फूड मटेरियल का डाइजेशन है वो दो तरह की प्रोसेसेस से कंप्लीट होता है। पहली प्रोसेस कौन सी है, मैकेनिकल प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस कौन सी होती है, केमिकल प्रोसेस। यानी जो भी भोजन है उसका पाचन दो प्रकार की प्रक्रियाओं से होगा, एक मैकेनिकल प्रोसेस यांत्रिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस इसे क्या बोला जाता है, रासायनिक प्रक्रिया। दो तरह की प्रोसेस होगी और इन दो तरह की प्रोसेस से भोजन का या फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है। तो सिंपल पहला डाइजेशन के अंदर ये याद रखना है कि इसमें मैकेनिकल प्रोसेस होती है, एक इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस इसके अंदर पाई जाएगी। मैकेनिकल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अब केमिकल के बारे में हम पहले स्टडी करते हैं। अब केमिकल प्रोसेस जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के द्वारा कुछ एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, वो एंजाइम किसका काम करेंगे, केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, इनके द्वारा किसका सीक्रेशन होता है, एंजाइम्स का।
इनके द्वारा एंजाइमों का सेक्रेशन किया जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले ऑर्गन का, लीवर एक ऑर्गन है, सहायक जो पाचक ग्रंथि हमने पढ़ी है उसके द्वारा किया जाएगा। ग्लैंड्स का एग्जाम्पल ले सेलाइब्री ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां जो पाई जा रही है, इनके द्वारा डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। और ये जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं ये फूड मटेरियल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस, इनके द्वारा फूड का क्या किया जाता है? हाइड्रोलाइसिस। हिंदी में इसे बोला जा सकता है जल अपघटन। तो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन और ग्लैंड्स के द्वारा एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं जो फूड मटेरियल का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसका जल अपघटन करेंगे। और हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इसलिए ये जो एंजाइम्स हैं इन्हें किस ग्रुप के अंदर रखा गया है? हाइड्रोलाइजेज ग्रुप के अंदर। जो ये एंजाइम्स हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पाचन की क्रिया करेंगे उन्हें हाइड्रोलाइजेज समूह के अंदर, हाइड्रोलाइजेज ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ तक का सिंपल वे हमें याद रखना है। अब डिफरेंट पार्ट्स में कौन सा एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, किस पर वो काम करेगा, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक टेबल या जिस जनरल सिंपल वे में हम बोलते हैं, सबसे पहला पार्ट जो है हमारा सेलाइब्री ग्लैंड, फर्स्ट पार्ट है सेलाइब्री ग्लैंड्स। लार ग्रंथियों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब सेलाइब्री ग्लैंड्स क्या करती है? इनके द्वारा जो सिक्रेट होने वाला एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है टाइलिन या एमाइलेज। इनके द्वारा जो सिक्रेट होगा एंजाइम टाइलिन या टाइलिन को ही एमाइलेज कहा जाता है। सेलाइब्री ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला एंजाइम है टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? पॉलीस जो पॉलीसेकेराइड है, एक सिंपल पॉलीसेकेराइड होती है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होती है। तो ये एंजाइम क्या करेगा? टाइलिन या एमाइलेज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड को कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा कौन सी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होती है। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड को ये किसके अंदर चेंज करता है? सिंपल पॉलीसेकेराइड के अंदर ये चेंज करेगा। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन। इनका एग्जांपल स्टार्च, सेकंड कौन सा है? ग्लाइकोजन। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है ये। इनको सिमिलर या सिंपल पॉलीसेकेराइड के अंदर जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सिंपल पॉलीसेकेराइड का माल्टोज, तो माल्टोज के अंदर ही क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो डाइजेस्टिव पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सेलाइब्री ग्लैंड्स, सेलाइब्री ग्लैंड्स के द्वारा, सेलाइब्री ग्लैंड से जो सेलाइवा सिक्रेट होगा उस सेलाइवा में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जा रहा है। ये एमाइलेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पर वर्क करता है और इन्हें सिंपल पॉलीसेकेराइड के अंदर चेंज कर देता है। प्लेस ऑफ वर्क इसका कौन सा है, किस जगह पर यह काम होगा? बकल कैविटी के अंदर। ये जो वर्क है किसके अंदर संपन्न होता है? बकल कैविटी, जिसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि बकल कैविटी या मुख गुहा जिसे हिंदी में बोला जाता है वह कौन सी स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट सेलाइब्री ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट होगा टाइलिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड को सिंपल पॉलीसेकेराइड के अंदर चेंज करता है। सेकंड जो है स्टमक, अब स्टमक जो है उसके द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो एक जूस के फॉर्म में होते हैं जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेज, गैस्ट्रिक जूसेज। स्टमक से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो जो जूस बनाते हैं इसी में HCl वगैरह ही मिला हुआ होता है, तो इसको कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेज। इसके अंदर दो मेन एंजाइम पाए जाते हैं, फर्स्ट एंजाइम पेप्सिन, सेकेंड एंजाइम रेनिन। फर्स्ट एंजाइम इसके अंदर मिलेगा पेप्सिन और सेकंड एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जा रहा है स्टमक से रिलीज होगा उसका नाम क्या है? रेनिन।
एंजाइम है जो इससे सिक्रेट होंगे, इनके द्वारा प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला जाता है। पेप्सिन जो एंजाइम है उसका काम तो क्या है, प्रोटीन को इसके सिंपल फॉर्म किसके अंदर चेंज करना, पेप्टाइड के अंदर चेंज करना। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको सिंपल मॉलिक्यूल पेप्टाइड में चेंज किया जाएगा। और ये जो रेनिन एंजाइम है ये कैसिन प्रोटीन को पैरा कैसिन में बदलता है, कैसिन प्रोटीन को किसके अंदर चेंज कर देगा, पैरा कैसिन प्रोटीन के अंदर ये चेंज कर देगा। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है कैसिन, उसको यह है इसके सिंपल फॉर्म पैरा कैसिन के अंदर यह चेंज कर देता है। और ये जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वो कौन से भाग के अंदर संपन्न होती है, स्टमक वाले पार्ट में प्रोसेस संपन्न होगी। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है पैनक्रियाज, ऐसे शरीर जो ग्लैंड्स है उसके अंदर हमने पढ़ा था पैनक्रियाज या अग्नाशय होता है, उसके द्वारा भी कुछ जूस सीक्रेट होगा। तो थर्ड जो पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है पैनक्रियाज ऑर्गन। पैनक्रियाज के द्वारा डिफरेंट टाइप के एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट एंजाइम का नाम है पैनक्रियाज के का एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज करता है। एमाइलेज का काम है स्टार्च को किस में चेंज करना, माल्टोज के अंदर चेंज करना। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज करने का काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में इसके द्वारा बदला जाता है। सेकंड एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, जो प्रोटीन है उनको किस में चेंज करना, पेप्टाइड में। प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर चेंज करना। थर्ड एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसके द्वारा भी क्या किया जाता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज किया जाता है। ये भी प्रोटीन को इसके अंदर चेंज करता है, पेप्टाइड के अंदर चेंज करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का सेम वर्क है, दोनों ही प्रोटीन को किसके अंदर चेंज करते हैं, पेप्टाइड के अंदर चेंज करने का काम करते हैं। फोर्थ एंजाइम जो होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो फोर्थ एंजाइम पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होगा उसे क्या बोला जाता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बोला जाता है। उसे अभी हम आगे कंटिन्यू लिखेंगे इसमें, तो ऊपर वाली एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जिससे इसको रेज कर सके हम। सबसे पहले तो डाइजेशन ऑफ फूड मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस से होगा। मैकेनिकल का मतलब होता है फूड पार्टिकल्स को तोड़ना, छोटे भाग में डिवाइड करना। केमिकल प्रोसेस का मतलब है जो फूड मटेरियल है उस पर डिफरेंट एंजाइम्स वर्क करते हैं, वो केमिकल प्रोसेस होगी। डिफरेंट ऑर्गन और ग्लैंड्स हैं, किसके हैं, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन और ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो फूड मटेरियल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और ये फूड मटेरियल का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इसलिए कौन से ग्रुप के अंदर इन्हें रखा जाता है, हाइड्रोलेजेज ग्रुप के एंजाइम इन्हें कहा जाता है, या इन्हें इन एंजाइमों को हाइड्रोलेजेज ग्रुप के अंदर रखा जाता है। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करें। काइमोट्रिप्सिन था पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाला एंजाइम। प्रोटीन और किस पर वर्क कर, प्रोटीन को किसके अंदर चेंज कर रहा है, पेप्टाइड के अंदर चेंज कर रहा है। फोर्थ एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, पैनक्रियाज का ही फोर्थ एंजाइम जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो एंजाइम है उसके द्वारा जो भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन में हमने पढ़ा प्रोटीन को पहले किसके अंदर चेंज किया गया है, पेप्टाइड के अंदर चेंज किया है। प्रोटीन पेप्टाइड अमीनो एसिड
इनमें यानी प्रोटीन को ये पेप्टाइड में, पेप्टाइड को किसके अंदर चेंज करता है, अमीनो एसिड के अंदर। इसका वर्क क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो है उनको पेप्टाइड में चेंज करना, फिर पेप्टाइड्स जो है ऊपर से भी जो पेप्टाइड है भोजन के अंदर जो आए हुए हैं उनको किसके अंदर चेंज करना, अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज करना। तो फोर्थ एंजाइम जो पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होगा, पेनक्रियाटिक जूस में होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स को फिर किसके अंदर चेंज कर देता है, प्रोटीन के सबसे सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड या अमीनो अम्लों के अंदर। फिफ्थ एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम नाम के अंदर ये लिपिड पर या फैट मॉलिक्यूल पर काम करेगा, फैट्स पर वर्क करता है, लिपिड पर वर्क करता है और उन्हें मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में बदल देता है। फैट या लिपिड को मोनोग्लिसराइड और किसके अंदर चेंज कर देता है, एक तो मोनोग्लिसराइड बोल सकते हैं हम ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड के अंदर, बस ये अम्ल के अंदर इसके द्वारा फैटी एसिड, फैट या लिपिड को एक तो किसमें चेंज किया जा रहा है, मोनोग्लिसराइड में, एक फैटी एसिड में। मोनोग्लिसराइड को ग्लिसरॉल भी हम कह सकते हैं और जो फैटी एसिड है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बस ये अम्ल बोलते हैं। तो इनके अंदर इसके द्वारा लाइपेज के द्वारा फैटी या लिपिड को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट एक एंजाइम होता है इसी में न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज एंजाइम किस पर वर्क करेगा, न्यूक्लिक एसिड पर। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, उन डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में चेंज करेगा, डीएनए और आरएनए को किस में चेंज कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो ये छह प्रकार के एंजाइम है जो किसके अंदर पाए जा रहे हैं, हमारे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज है अग्नाशय, उस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होंगे और डिफरेंट फंक्शन इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और ये पैनक्रियाज के जो एंजाइम है इनका फंक्शन करने का जो प्लेस है या प्लेस ऑफ वर्क जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये सारे के सारे एंजाइम किसके अंदर काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फंक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड स्टमक, थर्ड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर छह एंजाइम है, इनका प्लेस ऑफ वर्क कौन सा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। इसके बाद फोर्थ जो हमें पढ़ना है, इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत मेनली जो है उसके अंदर भी एक जूस का सिक्रेशन होता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में भी लगभग सात प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा डाइजेशन की प्रोसेस को किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन सा है, नेक्स्ट ऑर्गन जो हमको पढ़ना है इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ऑर्गन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी कुछ लगभग सात प्रकार के एंजाइमों का सेक्रेशन होगा और वो डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। तो फोर्थ टाइप जो है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइन भी इसको हम बोल सकते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में पहला एंजाइम जो पाया जाता है वो है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम के नाम में ये किस पर फंक्शन करेगा, माल्टोज पर, और माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है। यह माल्टोज जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको किसके अंदर चेंज करने का काम करता है, ग्लूकोज के अंदर बदलने का काम करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा पर काम करेगा और उसे ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है। सेकंड है लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा पर वर्क करेगा। लैक्टोज जो शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, लैक्टोज पर वर्क करता है और उसको किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में, सबसे सिंपल फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट की होती है उसके अंदर ही चेंज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है सुक्रेज,
सुक्रेज के भी नाम के अंदर ये है कि ये सुक्रोज पर फंक्शन करता है, और सुक्रोज को किसके अंदर चेंज करता है, ग्लूकोज में। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा, और इस सबसे सिंपल फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज के अंदर उसे चेंज कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज भी इसमें पाया जा रहा है इंटेस्टाइनल जूस में। लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड पर वर्क करेगा, फैट पर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसे बदलेगा, फैट पर, और इसे ग्लिसरॉल और किस में चेंज कर देता है, फैट को, फैटी एसिड के अंदर चेंज करेगा। लाइपेज का काम है बसा का डाइजेशन करना, बसा का पाचन करना, और ये लिपिड का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करके उसे किस में चेंज कर देता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर इसे चेंज कर देता है। लाइपेज एंजाइम फैट पर या लिपिड पर वर्क करेगा, उसे सिंपल फॉर्म ग्लिसरॉल और किसके अंदर चेंज कर देगा, फैटी एसिड के अंदर, बसी अम्ल के अंदर चेंज कर देता है। फिर नेक्स्ट एंजाइम न्यूक्लिएज है, इंटेस्टाइनल जूस में जो मिलेगा, नेक्स्ट एंजाइम न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज जो एंजाइम है वह न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है, न्यूक्लियोटाइड पर वर्क करता है। ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, दोनों पर वर्क करेगा, और इन दोनों को किसके अंदर चेंज कर देता है, न्यूक्लियोसाइड और शुगर के अंदर। न्यूक्लिएज का काम क्या है, एक तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए पर, दूसरा किस पर वर्क करता है, न्यूक्लियोटाइड पर। जो न्यूक्लियोटाइड से कहां से आएंगे, ऊपर जो डाइजेशन हुआ है, जो पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स थे उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, उन न्यूक्लियोटाइड्स पर वर्क करेगा, और इन दोनों को यह न्यूक्लियोसाइड और शुगर के अंदर चेंज कर देता है, न्यूक्लियोसाइड में और किसके अंदर चेंज कर देता है, शुगर्स के अंदर। यानी इनकी कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देगा। फिर होता है डाइपेप्टिडेज एंजाइम, नेक्स्ट एंजाइम जो इसके अंदर पाया जाता है डाइपेप्टिडेज। अब डाइपेप्टिडेज एंजाइम का क्या काम है, जो डाइपेप्टाइड है उनको किसके अंदर बदलेगा, अमीनो एसिड के अंदर बदलेगा। इसका काम क्या है, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर चेंज करना, यानी प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड है उसके अंदर ये चेंज कर देगा, प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाइयां हैं उसके अंदर ये चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट एंजाइम है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम जो पाया जा रहा है इसके अंदर इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जा रहा है, यह है न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनस बेस और राइबोज के अंदर चेंज कर देगा। जैसे आरएनए है तो राइबोज के अंदर चेंज कर देगा, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज के अंदर। तो इसका वर्क क्या है, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षार और किसके अंदर चेंज कर देना, शुगर के अंदर चेंज कर देना। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, आरएनए है तो राइबो शुगर होगी। तो इस सात प्रकार के एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं, और इनका जो प्लेस ऑफ वर्क होता है यानी जहां पर ये काम करेंगे वो पार्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लेस ऑफ वर्क उसका वो होता है, इनका भी प्लेस ऑफ वर्क क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। माल्टोज, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में। लास्ट यही हो रहा है डाइजेशन, इसलिए सबसे सिंपलर जो फॉर्म है उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज कर दिया जाता है। लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में चेंज करेगा, न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और शुगर में चेंज करेगा,
डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइड जो है उनको अमीनो एसिड में चेंज करेगा, फॉस्फेटेजेज, फॉस्फेटेज न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के अंदर चेंज कर देता है। इसके बाद लास्ट एक और जो पाचन में संबंधित ग्रंथि है वो है लीवर। फिफ्थ जो ग्लैंड है जो पाचन क्रिया के अंदर हेल्प करती है लीवर। अब लीवर जो है उसके द्वारा वाइल सॉल्ट्स सिक्रेट किए जाते हैं। लीवर के द्वारा किनका सिक्रेशन किया जाता है? वाइल सॉल्ट्स, हिंदी में इन्हें बोला जाता है पित्त लवण। यानी लीवर वाइल जूस सिक्रेट करता है, वाइल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है। वाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैट को, फैटी एसिड और फैटी एसिड के अंदर या फैट के ग्लोब्यूल के अंदर चेंज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फैट या लिपिड जो है उसे फैटी एसिड में या फैट ग्लोब्यूल के अंदर बसा कणिकाओं के अंदर ये चेंज करते हैं। और इनका भी जो प्लेस ऑफ बर्थ होगा वाइल सॉल्ट्स का वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये भी कहाँ पर काम करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये वर्क करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन और ग्लैंड्स थे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, और डिफरेंट जो मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और डीएनए आरएनए या न्यूक्लियोटाइड जो है उनका ये पाचन करते हैं। मेनली जो डाइजेशन की प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सिंपली हमें दिख रही है तीन जगह पर प्लेस ऑफ वर्क स्मॉल इंटेस्टाइन है। कुछ मात्रा में स्टमक में डाइजेशन होता है, और मेनली स्टमक में डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का होता है। कुछ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी में संपन्न होता है, जिसे सेलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स थे, उनके द्वारा सिक्रेट एंजाइम्स हैं, किस पर वर्क करते हैं, किस में चेंज करते हैं, किस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पर काम करेंगे, किस सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर वो चेंज करेंगे, वो ये है। और प्लेस ऑफ वर्क जो है उनका ये सारा होता है। पांच मेनली पढ़ी है हमने, सेलाइबरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर प्रेजेंट है, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, एमाइलेज एंजाइम करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा, दो दो एंजाइम काम में आते हैं, पेप्सिन और रेनिन काम में आते हैं। थर्ड पेनक्रियास था, उसमें सिक्स टाइप के एंजाइम पड़े हैं, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, लाइपेज है, न्यूक्लिएज है, ये सारे किस्में मिल रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस में, और इनका प्लेस ऑफ वर्क भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिफ्थ इंटेस्टाइनल जूस में सेवन टाइप के एंजाइम्स मिल रहे हैं, इनका प्लेस ऑफ वर्क भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। लीवर के अंदर लीवर से बाइल सॉल्ट सिक्रेट होते हैं जो फैट पर काम करते हैं, इसका प्लेस ऑफ वर्क भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि कौन कौन से पार्ट्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उन एंजाइम्स वो एंजाइम्स किस पर काम करते हैं, और इन एंजाइमों का प्लेस ऑफ वर्क क्या होता है, किस स्थान पर ये एंजाइम अपनी क्रिया को संपन्न करते हैं। तो इसमें अपन सिंपल से बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम है, इसमें हम सिंपल वे में बात करें, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन करेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले कौन कौन से एंजाइम है? फर्स्ट एमाइलेज है, एक माल्टेज है, एक सुक्रेज है। माल्टोज, एक सुक्रेज और एक एमाइलेज जो सलाइवा में पाया जा रहा है। तो एमाइलेज, एमाइलेज है सेकंड एंजाइम, माल्टेज है जो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, थर्ड एंजाइम सुक्रेज है। ये मेन एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अंदर सहायता करते हैं। इन तीन एंजाइमों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया जाता है। सेकंड जो प्रोटीन डाइजेशन करने वाले एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन किस किस के द्वारा होगा?
ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा एक और एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। ये तीनों एंजाइम किस पर वर्क करते हैं, प्रोटीन पर वर्क करते हैं, उसे इसके सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। फैट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, लाइपेज। फैट में जो एंजाइम काम में आएगा वो कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है। न्यूक्लिएज जो एंजाइम है, न्यूक्लिएज जो है न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए पर जो वर्क करेगा, न्यूक्लिक एसिड पर जो वर्क करता है, न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करने वाले एंजाइम न्यूक्लिएज है। न्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा न्यूक्लिक एसिड पर वर्क किया जाता है। तो ये मेन मेन जो एंजाइम्स, विभिन्न तरह के डिफरेंट तरह के जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं हमारे फूड मटेरियल के अंदर, उन पर वर्क करने वाले एंजाइमों के नाम है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन के द्वारा। फैट का लाइपेज के द्वारा। न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिएज के द्वारा। तो यहाँ हमने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का वर्क, किस स्थान पर वर्क करते हैं, किसका पाचन करते हैं, उनके बारे में स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या अगले लेक्चर के अंदर हम जो मैकेनिकल प्रोसेस है उस मैकेनिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे। कुछ डिफरेंट कुछ टर्म्स होती है, जैसे बॉलस, जो फूड है उसका डाइजेशन जब माउथ में होगा तो उसको बोला जाता है बॉलस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टमक के अंदर कुछ डिफरेंट सेल पाई जा रही है, जैसे ऑक्सेंट्रिक सेल है, एससीएल का सिक्रेशन करने वाली सेल, उनके बारे में अगले लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। बाइल जो है, जो सिक्रेशन जिसका लीवर के द्वारा किया जाता है, उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।